हेलो माय डियर स्टूडेंट इन माय फ्रेंड मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड नज़दीक आ चुका है और हमें मैथ में डर भी तो लगता है, तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो 5 नंबर में पूछा जाता है। आपने क्या पढ़ा उसको डिलीट कर दीजिए दिमाग से, जो मैं बतला रहा हूँ बस उसी को दिमाग में रख लीजिएगा, मुझे बुक से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन से मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा तो 5 नंबर पकड़ लीजिएगा, जाने मत दीजिएगा। अगर वो चला जाएगा तो आपके लिए जो है वो 5 नंबर लॉस हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल नहीं। जहां दिखेगा ये क्वेश्चन सबसे पहले इसी को बना लीजिएगा ताकि 5 नंबर आपका हाथ में हो जाएगा, क्योंकि मैथ में सबसे इजी अगर कोई है तो यही है क्वेश्चन। क्यों है इजी सो मैं अभी आपको बता देता हूं, आप ध्यान से केवल देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा क्यों इजी है। आपने क्या थ्योरी पढ़ा है हमको थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए मेरे लिए ये जरूरी है, क्योंकि हमें थ्योरी याद नहीं करना है, वो टाइम अब नहीं है। तो चलिए सिंपल सा योग, ठीक है ना, सिग्मा F इज इक्वल टू एड करते हैं 8 of 5 कितना होता है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना दिया हुआ रहेगा, याद रखिएगा। निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना है आपको और ये दोनों दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब चूंकि ये बोर्ड है तो इसलिए छोटा है, नहीं तो मैं बड़ा बोर्ड रहता तो क्वेश्चन पूरा लिख के उसके बाद दोबारा इसको लिखता, लेकिन जगह नहीं मिलता इसलिए मैं इसी क्वेश्चन में आगे सोल्व कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो जहां भी ये दिखेगा एकदम रोक लेना है। सबसे पहले काम क्या करना है, ये जो नंबर्स है उसको ऐड कर दीजिएगा। 8 of 5 13 होता है, 13, ठीक है ना, 8 of 5 13, 13 में 10 ऐड कर दीजिए, तो 13 में 10 ऐड करेंगे 23, 23 में 23 में आप 3 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 26, 26 में आप 8 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, आप 26 में 8 ऐड कर दिए तो 34, 34 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि ये कुल कितना आया 40 आया। एक बार कंफर्म हो लेते हैं, देखिए 8 6 14 14, ठीक है, और आपका 8 8 3 11, ठीक है, 14 और 11 आपका कितना हो गया 25, ठीक है ना, 25 और 5 30, 30 और 10 40, कंफर्म। चलिए ये कंफर्म हो गया, वर्ग चिन्ह निकालना है, तो ये जो नंबर आपको दिखेगा ना उसको क्या कर दीजिएगा, फर्स्ट में लिख दीजिएगा, लिख दिए, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। अब ये डिफरेंस देखिए, वर्ग अंतराल का डिफरेंस कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, डिफरेंस कितना का है 10 का है, 10 का अंतराल है तो 10 इसमें ऐड करते जाइए, 5 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 10 15, 15 में फिर 10 ऐड कीजिए 25, 25 में फिर 10 ऐड कीजिए 35, 35 में फिर 10 ऐड कीजिए 45, 45 में फिर 10 ऐड कीजिए 55, ये तो हो गया यहां तक, कोई कहानी, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक भी आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है एफ एक्स, ये तो समझ में आ गया होगा, एफ एक्स इंटू में है, क्या में है इंटू में, सो इंटू कर दीजिए 5 5 25, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, 15 8 120, ठीक है, 25 से 10 से में मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, ठीक है, 35, 3 5 15 का 5 और 3 3 9, 9 और 1 10, 105, 35 दिया 105, 8 से 8 5 40 का 0, 8 4 32 और 4, 36, चलिए लिख दिए, 6 5 30
ठीक है, 6 5 30 और 6 5 30 यानी 33। अब इसको भी यहां पे क्या कर देना है, ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए 0 0 5 5 5 0 0 5 5 10 का 0, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। 2 2 4 6 4 10 और 5 15, 15 3 18, 18 8 19 का 9। ठीक है, एक बार फिर से देख लिए, 6 4 10 और 5 15 3 18 8 19 का 9। अब फिर जोड़िए इधर, 1 2 3 3 और 1 4 4 और 3 7 7 और 3 10 10 और 1 11। आपने बिल्कुल ऐड कर लिया। अब क्या है, ये जब बन जाएगा आपका तो क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। माध्य पूछा है ना, तो यहां लिख दीजिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। एफ एक्स का वैल्यू यहां निकल गया ना, सो सिग्मा एफ एक्स कितना है, 11 11 सॉरी 1190 यानी 1190 बाई सिग्मा एफ कितना निकला है, 40। हो गया ना ये क्वेश्चन, यहां तक कोई प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम्स। सो भैया 0 से 0 जय श्री राम बचा 119 और 4, सो काट सकते हैं, 4 2 8 9 8 3 11 39, 4 9 36, 4 9 36 39 में 36 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, पॉइंट लगा देते हैं और एक 0, तो 30, 4 7 28 28 हो गया। अब बच गया 2, 2 में 0 लगेगा, 24 5 20 माध्य आपका आ गया। कहीं भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, कोई थ्योरी याद करना पड़ेगा, कुछ भी याद नहीं करना है। आप सोच रहे होंगे कि माध्य का फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ेगा सर जी, काहे याद कीजिएगा, माध्य आपको निकालना ही है भैया, तो याद काहे को कीजिएगा, माध्य लिखने आता है ना, माध्य लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बाकी ये जो लास्ट वाला नंबर याद रखिएगा कि इसको ऊपर लिखेंगे सिग्मा और एफ एक्स वहां लिख लिए है, लिख देंगे, और अगर वो भी नहीं आएगा तो एफ एक्स ही भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू काट के आप लिख सकते हैं, कहीं स्टेप के क्वेश्चन में तनिक सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, और आसानी से आप जो है नंबर को कैच कर लीजिएगा। अब 5 नंबर आपके हाथ में आ गया, अब फिर आप क्या कीजिएगा, 5 नंबर जब आपके हाथ में आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएंगे, 5 नंबर कहीं नहीं गया, सॉलिड, मैथ में नंबर नहीं कटेगा, केवल साफ लिखिएगा क्वेश्चन, अगर आपका साफ हो, ठीक है, आंसर साफ हो तो आपको नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 5 नंबर वाला भी, 3 नंबर वाला भी और 2 नंबर वाला भी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, जय हिंद।